नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय टीम विश्व कप के मौजूदा संस्करण में अपना पांचवा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आमने सामने होंगी। रविवार 22 अक्टूबर को होने वाले इस मुकाबले पर सबकी नजरें हैं। भारत और न्यूजीलैंड की दो ऐसी टीमें हैं जो इस बार एक भी मैच नहीं हारी। दोनों ने अपने चारों मैच जीते हैं। ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक होगा। हालांकि मैच पर बारिश का साया है और ऐसा होता है तो प्रशंसकों का मजा किरकिरा हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा महिला वोट बैंक को साधने के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करने, उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष में दो मुफ्त सिलेंडर देने को मुद्दा बनाएगी। पार्टी ने दलितों और महिलाओं के बीच आगामी कार्यक्रमों में इसे बड़े तैयारी के साथ पहुंचाने की योजना बनाई। मोदी सरकार ने अगस्त में रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया था। वहीं उज्ज्वला योजना के सिलेंडर की कीमत को 400 रुपए कम की। इसराइल हमास के बीच जारी संघर्ष से महंगाई पर जोखिम बना हुआ है। उच्च ब्याज दरों से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दर फिलहाल ऊंची बनी रहेगी। समय और वैश्विक स्तर पर अवनति स्थिति ही बताएगी कि या कितने समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। कीमतों पर उन्होंने कहा, महंगाई में निरंतर कमी लाने के लिए आरबीआई अर्जुन की तरह नजर रखेगा। हमारा उद्देश्य खुदरा महंगाई को 4% पर लाना है। इसके लिए हम हर जरूरी प्रयास करेंगे। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 में शुक्रवार को 10 ने इस बात पर जोर दिया कि मौद्रिक नीति महंगाई घटाने वाली होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरने के बाद भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से उनका काफिला सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचा, जहां वे दर्शन पूजन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद रामलला के दरबार जाएंगे, जहां रामलला का दर्शन कर मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति देखेंगे। मुख्यमंत्री यहां से मंडलायुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी रविवार को भी अयोध्या में ही रहेंगे। उनके साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी मौजूद। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कुल्लू में आपदा प्रभावितों को 9 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की। सीएम ने कहा कि कुल्लू में सबसे पहले आपदा आई और अब मदद भी कुल्लू से शुरू की जा रही है। आपदा में 75,000 सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया। सरकार ने रात दिन एक कर काम किया है। आपदा में तबाह हुए घरों के मालिकों को अब घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 3500 घर क्षतिग्रस्त हुए। कांग्रेस सरकार आपदा में काम और भाजपा राजनीति कर रही थी। उत्तराखंड और भुज की तरह पैकेज देने की मांग पर भाजपा विधायकों के मुंह से ली। टमाटर की महंगाई झेल चुके लोगों के आंसू अब प्याज निकालने लगा है। खुदरा बाजार में प्याज अर्धशतक लगा चुका, यानी इसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं थोक मंडी में भी यह 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में आवक कम होने से प्याज के भाव चढ़े हैं। पिछले एक महीने तक खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 35 से 40 रुपए किलो के बीच बनी हुई थी। वहीं थोक मंडी में यह 24-30 रुपए किलो के बीच बिक रहा था, लेकिन पिछले 3 दिन से आवक में अचानक गिरावट आई। हरदोई जिले में लोक जागरण अभियान के तहत समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शनिवार से शुरू हो गया। शिविर के पहले दिन राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत कई नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे। शिविर में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा यूपी से आई थी और 2024 में यूपी से ही जाएंगे। सरकार ने इन्वेस्टमेंट मीट में जो करार किए वो जमीन पर नहीं उतरे। 7 भाग की हाई ऑक्टेन एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स रोहित शेट्टी के डिजिटल निर्देशन की पहली फिल्म है। सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक पुलिस के पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाया जाएगा। साथ ही शिल्पा शेट्टी, कुंद्रा, विवेक ओबराय, श्वेता तिवारी, निकितन धीर, ऋतुराज सिंह और ललित परिमो महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। वहीं अब सीरीज के रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका है। रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर इंडियन पुलिस फोर्स के रिलीज डेट की घोषणा की है। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रोहित शेट्टी ने घोषणा की कि इंडियन पुलिस फोर्स का वर्ल्ड प्रीमियम 19 जनवरी 2024 का होगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा मकसूदपुर गांव पहुंचे और तीनों मृतक परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। जो लोग इलाजरत हैं, बल्कि घटना में जीवन मौत से जूझ रहे हैं, जिन लोगों की जान बची है उनसे पूरी घटना की सच्चाई भी जाना, उनसे भी बात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने और इंसाफ की लड़ाई आगे ले जाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार के साथ साथ दरभंगा के SSP अवकाश कुमार पर जमकर भड़ास निकाला। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों की आलोचना करने वाले भाजपा नेता राजा से भी अधिक वफादार हैं।
फिलिस्तीनियों को सहायता पर प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए पवार ने कहा कि भारत का मानवीय मदद भेजना जारी रखने का फैसला पूर्व प्रधानमंत्रियों के रुख के मुताबिक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, उनके पवार विचार जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी सहित पूर्व प्रधानमंत्रियों के रुख के अनुरूप। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।